कल के भास्कर ने विजय को पहले से कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसीलिए विजय को पता ही नहीं था कि उसे दुकान में क्या करना है। कल के भास्कर ने विजय को फीडबैक दुकान में ही देना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे उस दुकान में दो सेल्समैन हैं। कभी एक सेल्समैन बोलता है और कभी दूसरा। कल के भास्कर सेल्समैन तो बिल्कुल बढ़िया हैं, पर कल के भास्कर ने बार बार दुकानदार को बताया कि वो बॉस हैं और विजय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कल के भास्कर ने विजय को बार बार बीच में ही टोका, जो सही बात नहीं है। कल के भास्कर ने बीच में ही सेल्स कॉल टेक ओवर कर ली और सेल करना शुरू कर दिया और विजय तो पीछे ही रह गए। कल के भास्कर ने ही सारी क्वांटिटीज रेकमेंड करनी शुरू कर दी और विजय को ऑर्डर करने लग गए। ये तो सही नहीं है। कल के भास्कर वहां पर बेचने के लिए ही हैं। विजय की कोई योग्यता नहीं। अब जब आप सबने समझ लिया है कि आउटलेट में ट्रेन करते हुए क्या क्या नहीं करना चाहिए, अब अपने ट्रेनर से समझें आउटलेट में ट्रेन करने का सही तरीका।